हेलो। ये है घाघरा नदी का प्रकोप। हम लोग क्या है ना कि अभी अपने एरिया में घूम रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कितना पानी कहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी जैसे ही बंदा स्टार्ट हुआ है, वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अभी नदी तो आगे है, नदी लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। क्यों अभी से नदी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है। है ना रिहाई, ये सब खेत है, लोग इसमें अपनी खेती करते हैं, धान वगैरह गेहूँ वगैरह बोते हैं। अब यहाँ पे घर भी है। और इससे पहले जो रिहायशी इलाका है ना, वहाँ पर भी पानी लगा हुआ है। इधर देखिए रिहायशी इलाका, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लोग गांव में रहते हैं, ये सब गांव है पूरा। यहाँ पर भी पानी लगा, बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है यहाँ पर। और मतलब वो सड़क जो भी डूबने वाली है, हाँ वो जो रोड है, कॉन्टैक्ट रोड है, जो गाँव में संपर्क मार्ग है ना, वो भी डूबने वाला है। उसके ऊपर पानी चला गया है। यहाँ देख लीजिए, ये सब रिहायशी इलाके हैं, सब लोग पानी में घुस घुस के जा रहे हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, अगर किसी को नहाना हो हाँ, तो उसको वहाँ जाके नहाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर नहा लेगा तो उसको पुण्य मिल जाएगा। लोग नदी पे जाते हैं नहाने। हाँ देख लीजिए, पूरा घर पे पानी चला गया है। अब यहाँ से जो है नदी का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से नदी स्टार्ट होती है। मतलब अभी नदी नहीं है, ये नदी का इलाका है। मतलब मतलब इस जगह में, इतनी जगह में लोग घर नहीं बनाए अपना, हालांकि खेती तो करते हैं लेकिन घर नहीं बनाए किसी ने यहाँ पे। तो हालांकि कुछ जगह पे देखिए हम ये वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर घर बनाएंगे अगर तो इक्का दुक्का घर मिल जाएगा आपको। और आप ये देखिए गांव में, अगर आप देख रहे होंगे, देखिए वो जो गाँव में एक घर है वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूब चुका है। हाँ, इतनी भयावह स्थिति है, बाढ़ का पानी इतना भयंकर लगा हुआ है। लगातार जो 3 दिन की बारिश हुई, 4 दिन की बारिश हुई है, इतना ज़्यादा बारिश हो गया है कि पानी हमारे गोरखपुर बस्ती मंडल में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं, जायजा लेने पूरा बाढ़ का। यहाँ हमारे केवल घाघरा नदी में ही बाढ़ नहीं आई है, पानी लगा हुआ है। और लगभग हजारों गांव जो हैं बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। अभी मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको पानी दिखा दिया। अभी जब मैं नदी में पहुँच जाऊँगा, नदी यहाँ से अभी भी 1 किलोमीटर आगे है, नदी पे जब मैं पहुँच जाऊँगा फिर मैं दिखाऊँगा नदी का कितना तेजी से बढ़ा है, कितना बढ़ा है। अपना है ये सेकेंड वीडियो। अभी हम लोग नदी पे आ चुके हैं, नदी का जो घाट है यहाँ से चालू हो जाता है। घाघरा नदी, जिसको लोग सरजू जी भी बोलते हैं, कहीं कहीं सरजू जी बोलते हैं, कहीं कहीं घाघरा बोलते हैं इनको। ये वही नदी है जो अयोध्या में बहती है, जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये नदी का मैं प्रकोप दिखाता हूँ। ये नदी है, मेन नदी, मेन धारा है। अभी मैं नीचे भी जाऊँगा चूँकि जो घाट वाला रास्ता है वो बंद हो गया है पानी की वजह से। इतना ज़्यादा पानी भर गया है वहाँ पे कि घाट का रास्ता बंद हो गया है, ठीक है। तो हम लोग सीढ़ी के रास्ते से जाएंगे, जो सीढ़ी बना हुआ है ऊपर से, ठीक है। चूँकि गाड़ी लेके हम लोग जा नहीं पाएंगे नीचे, नहीं तो अगर पानी ना भरा होता तो नीचे 4-व्हीलर और हाँ बाइक वगैरह चला जाता है। लेकिन अभी जो है पानी भरने की वजह से ना 4-व्हीलर जा पाएगी, ना ही बाइक जा पाएगी, तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा उतर करके। आइए चलते हैं, गाड़ी यहाँ खड़ा कर दीजिए। अभिषेक, ये अभिषेक है, मेरे परम मित्र हैं, हर चीज़ में हर जगह मेरा सहयोग करते हैं, हमारे साथ आ जाए हुए, ये हमारे पिताजी हैं। जरा मेरे को भी दिखा देना कैमरे में। हाँ नमस्कार, मेरा नाम विमल है और मैं आज आप लोगों को दिखाने आया हूँ कितनी ज़्यादा पानी भरा हुआ है घाघरा नदी में। चलिए चलते हैं। यहाँ से तो भैया सीढ़ी के नीचे भी पानी लगा हुआ आप देख सकते हैं, तो यहाँ से जाने लायक तो है नहीं, हम लोगों को दूसरे सीढ़ी से जाना पड़ेगा। दूसरा वाला सीढ़ी बगल में है।
हर जगह पानी। आइए आइए इधर आइए। नहीं नहीं पानी है वहाँ पे, पानी है। अरे पिताजी वहाँ पानी है, देखें थोड़ी उसके इधर आइए। और दूसरी सीढ़ी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपको बता दूं जहां हम लोग आए हैं, इस जगह का नाम है बिरहर घाट। बिरहर घाट उमरिया बाज़ार के पास में पड़ता है। उमरिया बाज़ार पड़ता है संत कबीर नगर ज़िले में, संत कबीर नगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो अभी हम दिखाते हैं आपको, आराम पिताजी को भी आने दो भाई, बहुत तेज़ चल रहे हो ना, वो उतना तेज़ चल नहीं पाएंगे। हर रविवार को और हर त्यौहार पे यहाँ पे जो है लगता है मेला, क्योंकि यहाँ पे स्नान करने लोग बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, मतलब काफ़ी संख्या में भीड़ भी होती है मेले में, अधिकतर लोग आते हैं मेला। लेकिन अभी इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि शायद ही लोग आ पाए नहाने के लिए या फिर मेला में घूमने के लिए, क्योंकि नहाने कोई जगह भी नहीं बचा हुआ। हाँ ये क्या बन रहा है, हनुमान जी की मूर्ति बन रही है। आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, हनुमान जी की मूर्ति बन रही है, बहुत ऊंची बन रही है, बहुत ज़्यादा ऊंची बन रही है। मतलब अगर आपको ऊपर देखना होगा तो आपको सर उठा करके ही देखना पड़ेगा, आपकी टोपी गिर सकती है, मतलब इतनी ऊंची बन रही है ये। अभी ये निर्माणाधीन है, काम चल रहा है इसमें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जल स्तर, नदी का पानी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है नदी का पानी, पार का पानी है ना, अभिषेक बह जाएंगे। पिताजी कहाँ जा रहे हैं, आइए इधर आइए। अच्छा उधर हैं आप, उधर ही रहेंगे, ठीक है उधर ही, कोई बात नहीं। हाँ ये देखिए अभिषेक, अभी पहली बार देख रहे हो ना इतना पानी यहाँ पे। अगर देखा जाए तो मैंने भी अपने पूरे जीवन काल में इतना पानी देखा ही नहीं इस नदी में, पहली बार मैं देख रहा हूँ इतना पानी आया है। और ये पानी सितंबर महीने में आया है, साला अक्टूबर महीना, माफ कीजिएगा अक्टूबर महीने में। वहाँ बहाव देखो, सोचो कि पहले बारिश का मौसम आता था जून में जुलाई में, अभी बारिश का मौसम सितंबर से चालू हो रहा है, अक्टूबर में आ रहा है इतना पानी। अक्टूबर महीने में इतना पानी किसी नदी में होता ही नहीं है जितना पानी अक्टूबर महीने में बह रहा है। यहाँ पे पानी बढ़ा ही घटा है, कितना बढ़ा है भैया, कितना बढ़ा है? जब आमतौर पर जब नदी नॉर्मल रहती है तो पानी जो है यहाँ से, वो जो आप देख रहे हैं ना घास वगैरह बह रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं घास वगैरह जो बह रहा है ना, आमतौर पर पानी वहाँ रहता है, और पानी कम ही रहता है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रहता है। इतना बार कभी नहीं आया है ना, पहली बार आप देख रहे होंगे अपने पूरे जीवन में ना। एक्चुअली मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, हर साल पानी आता है, हर साल बारिश होती है, हर साल बाढ़ आता है, लेकिन इतना बाढ़ कभी नहीं आता जितना कि बाढ़ इस बार आया है। हाँ और भी अक्टूबर महीने में, आइए और भी कुछ दिखाता हूँ, पूरा मंदिर भी घुमा दें आराम से। यहाँ पे जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है, बिरहर घाट के नाम से फेमस है। पहले ये जो पुल बना हुआ है, पुल भी दिखा दें आप, पुल दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, दिख जाएगा पुल, अरे नहीं इधर ही दिख जाएगा पुल, अरे नहीं नहीं बस बस, ये पुल जो बना हुआ है ना, पहले ये पुल नहीं था, आज से लगभग 10-12 साल पहले ये पुल नहीं था, तो लोग पहले नाव से ही नदी क्रॉस करते थे, चाहे किसी की फोर व्हीलर हो चाहे किसी की बाइक हो, वो नाव पे रख करके ही नदी को क्रॉस करते थे। जब से पुल बना है तब से आवागमन जो है अच्छा हो गया है। और ये जो पुल है जिसको मैंने दिखाया आप लोगों को, ये दो ज़िलों को जोड़ता है, दो ज़िलों को क्या मतलब, तीन चार ज़िलों को जोड़ता है, संत कबीर नगर खलीलाबाद से अगर आपको अम्बेडकर नगर जाना है, आजमगढ़ जाना, इवन वाराणसी इलाहाबाद तक जाना है, तो रास्ता जो है लगभग जो पहले 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम लोग चलते थे दूसरे पुल से जाने के, दूसरे पुल पे जाते थे तो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता था दूसरे रोड से जाते थे, लेकिन जब से ये पुल बना है तो 100 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई अगर आपको इलाहाबाद जाना है, क्योंकि हर माघ मेले में हर कुंभ स्नान में लोग इलाहाबाद स्नान करने जाते हैं, ठीक है, तो 100 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई इस पुल की वजह से। और अम्बेडकर नगर पहले जाने के लिए लोगों को 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है घूमना पड़ता था, वो भी कम हो गया है। आजमगढ़ जाने के लिए भी लोगों को 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा टर्न मारना पड़ता था, वो भी कम हो गया है। आपको दिखा दूँ, यहाँ से भी पानी दिखा दूँ,
मुक्ति धाम है ये, जहाँ पे लोगों के लाश वगैरह जलते हैं। सब सब पूरा एकदम भर गया, बहुत ज़्यादा पानी है महाराज। ये मुक्ति धाम है, यहाँ पे पानी बिल्कुल रहता ही नहीं, यहाँ बिल्कुल पानी होता ही नहीं है। यहाँ से भी लगभग कम से कम यहाँ से कम 100 फीट आगे पानी रहता है मुक्ति धाम से, नॉर्मल जब बारिश होता है तब भी, लेकिन यहाँ पे अब की बार बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है। छोटी सी नाव भी है यहाँ पे, आई थिंक मछली मारने के लिए, और बहाव और कटान बहुत तेज है, मतलब। और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी होगा ना भैया, सोचिए जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढा है, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, यहाँ पानी रहता है नहीं आमतौर पे। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से कम 400 मीटर आगे पानी रहता है, लगभग 300-400 मीटर आगे पानी रहता है, लोग वहाँ नहाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सांप है? अच्छा देखूं भाई, मैं भी देख लूं, कैमरे में दिखा दूं मैं अपने, हमको लग नहीं रहा है सांप है वो, लकड़ी लग रहा है भाई, जो देख रहा है वो बताइए, सांप लग रहा है कि लकड़ी लग रहा है, बताइए आप लोग।